हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशवा एमपी ऑनलाइन मगरोनी में। गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ यूट्यूब पर आपके लिए जो वीडियो लेकर आता हूँ तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आता हूँ। तो इसी के साथ आज मैं आपके लिए जो आर्मी वैकेंसी एमपी वाली तो चली रही थी, ग्वालियर वाली, संभाग वाली जो आ चुकी हैं, जो अपने इसमें सीबरी ज़िला है गाइस, वो 8 तारीख से इसके फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मैं आपको इसका फिजिकल से लेकर सिलेक्शन तक के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगा। अगर गाइस अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस प्रकार का रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको उसको आप लोग सिंपली क्या करना है, आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ये बेल आइकन का सिस्टम आएगा, इस पर इस प्रकार से क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है, इससे कि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन के रूम में प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं आर्मी की पीडीएफ जो अपनी ग्वालियर संभाग की है, जिसमें अपना सिवरी जिला भी आता है, वो यहाँ पे देख सकते हो आपकी 8 जनवरी से 21 जनवरी 2020 तक आपका जो फिजिकल है वो होएगा। और आपके जो फॉर्म स्टार्ट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, 9 नवंबर से 23 दिसंबर 2019 तक आपके फॉर्म यहाँ पे डाले जाएंगे। ठीक है गाइस, जैसे ही 23 दिसंबर ख़त्म होता है उसके बाद आपकी प्रक्रिया होती है 24 दिसंबर को से 7 जनवरी तक, यानी कि इसी के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है गाइस, फिर आपका जो रैली भर्ती है वो आपकी 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो, आपको अगर जनरल सोल्जर जनरल ड्यूटी में डालना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो 10th+ मार्कशीट है आपकी 10th की, उसमें 33% मार्क्स होना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे डाल सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हो गाइस कि 1 अक्टूबर और 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के जो छात्र हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आप देख सकते हो गाइस 68 सेंटीमीटर है, वजन आपका 50 kg होना चाहिए, और चेस्ट आपका 77.5 सेंटीमीटर फुला के 82 हो जाना बहुत ही अति आवश्यक है। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हो गाइस, एसजी जो सोल्जर जनरल ड्यूटी है उसमें आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर उम्र आपकी 1998 से 2002 तक है, और इसमें हाइट आपकी 1.62 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पे आपका वजन 48 सेंटीमीटर है, और चेस्ट आपके लिए वही दिया गया है। ठीक है गाइस, और क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास है, और इसमें 45% आपकी टोटल मार्क्स में, यानी कि 600 में से आपके 45% होना जरूरी है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना बहुत आवश्यक है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सोल्जर टेक्निकल, टेक्निकल वाली में गाइस यहाँ से जो पूरी दी गई है यहाँ तक नीचे तक, उसमें पूरे में 1 अक्टूबर 1996 से लेकर आपका 2002 तक के छात्रों को बुलाया जाएगा। ठीक है गाइस, अगर इस एज की एरिया में कोई भी व्यक्ति या अपना कोई छात्र आता है तो वो वहाँ पे फॉर्म डाल सकता है, अन्यथा वो ओवर एज हो चुका है। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें हाइट की भी बताया गया है कि 1.67 सेंटीमीटर हाइट है, 50 किलो वजन है, वहीं पे आपका 76 से सीना होना चाहिए, और फुला के आपका 81 हो जाना चाहिए। वहीं पे आपको लिए क्वालिफिकेशन दी गई है 12th पास, 12th पास में आपके 40% मार्क्स होना बहुत ही आवश्यक है आप, और इसी के साथ आपको मैथ सब्जेक्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हो, ये पूरा डिटेल दिया गया है स्ट्रक्चर पीडीएफ का, और मैं ये पीडीएफ आपकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। फिजिकल होने के बाद आपका हाइट वगैरह के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो आपकी 1.6 किलोमीटर रन यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। ठीक है गाइस, जिसमें से आपको अगर 5 मिनट 30 सेकेंड में आप इसको पार करते हैं या पूरी करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड यानी 5:31 से 5:45 सेकंड में अगर आप निकालते हो तो आपको यहीं पे
48 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है गाइस, वहीं पे आप पुल अप्स देख सकते हो। ठीक है, पुल और अप्स आप यानी 10 पुल अप्स लगाते हो तो आपको 40 अंक मिलेंगे, और 9 लगाते हो तो आपको 33 अंक मिलेंगे, 8 लगाते हो तो आपको 27 मिलेंगे, और 7 लगाते हो तो आपको 21, और 6 लगाते हो तो आपको 16 अंक मिलेंगे। ठीक है गाइस, इतना सा ये आपका पूरा काम है। ठीक है, फिर आपका इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है गाइस, मेडिकल टेस्ट होने के बाद और आपका फिर आपका मेडिकल टेस्ट के बाद होगा आपका पेपर। तो ठीक है गाइस, इस प्रकार से आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो चलने वाला है। गाइस, अगर आपको कोई मेरे द्वारा बताई गई बात समझ में ना आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके आप मुझसे बाकायदा पूछ सकते हो। मैं आपका बिल्कुल बाकायदा आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कमेंट में ही आपको दे दूंगा। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा